नहीं लेके कैसे लोग इसका घर है ये? नहीं नहीं ऐसे कैसे लेट के तुम मेरे घर में आके? चल बात कैसे कैसे लेट के तुम जब मैंने इसके नाम की दरखास्त दे रखी ताला तोड़ के ये भी कुटानी रोड दलबीर नगर में बीते दिन एक महिला के बेडरूम में एसी चलाकर सो रहे एएसआई जगदीश सिंह व सिपाही विनोद कुमार को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। महिला ने दोनों की वीडियो बनाकर सीएम विंडो पर शिकायत की थी। उसके बाद एसपी सुमित कुमार ने यह कार्रवाई की। दलबीर नगर निवासी महिला ने करीब 5 दिन पहले पति के खिलाफ शिकायत दी थी। बुधवार को वह माँ के घर गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे बेटे ने बताया कि बेडरूम में एसी चलाकर 2 पुलिसकर्मी सो रहे हैं। इस पर महिला भाइयों को लेकर घर पहुंची और दोनों पुलिसकर्मियों की वीडियो बना ली। वीडियो में महिला कह रही है कि तुम लोग मेरे बेडरूम में कैसे सो गए जब मैंने पति के खिलाफ शिकायत दे रखी है। इस पर पुलिस वाले बोले कि तारीख बताने के लिए आए हैं, नेम प्लेट की वीडियो बनाई तो पुलिसकर्मी हाथ से नेम प्लेट छुपाने लगे और बाइक लेकर भाग गए। फिर महिला ने सीएम विंडो पर शिकायत दे दी। नहीं लेटे कैसे लोग इस घर में आइए? नहीं नहीं ऐसे कैसे लेटे तुम मेरे घर में आके? ऐसे कैसे लेट गए तुम जब मैंने इसके नाम की दरखास्त दे रखी ताला तोड़ के ये भी अम्मा के लेट गए? आपको बता रहे आपको बता क्या रहे हो? क्या बता रहे हो तुम मुझे? तारीख बताना है जी। तो तारीख बताने आए हो तो आप लोग आके यहाँ घर में ऐसे लेट हो गए? क्या मतलब आपका यहाँ आने का जी? तारीख बताना है इसकी तो आप इसके थाने में बुलाओ। आपके इसके घर आगे घर वाले ने इसके बाहर निकाल रखा। आप ऐसे कैसे घर में आगे किसी के अच्छा लगेगा आपको? वीडियो बनाए इनका नाम ले, नंबर एंड में जगदीश सिंह इनका भी नाम ले। भाई साहब नाम दिखाऊंगा। विनोद कुमार सदर विनोद कुमार। डीएसपी ने बताया कि एएसआई व सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। दोनों किला थाने में राइडर पर तैनात थे। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार वत्स से जांच कर रिपोर्ट मांगी है। हाँ, दो पुलिस वाले हमारा किला थाने के थे, उन्होंने लापरवाही की है और जो ही मामला हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में आया तुरंत उनको निलंबित कर दिया गया है और इंक्वायरी उनकी शुरू कर दी। वो उनका हस्बैंड वाइफ का कोई इशू था और उसके हस्बैंड की अभी तक ये इतना पता लगा है, लेकिन असली तथ्य इंक्वायरी में आएंगे कि हस्बैंड वाइफ का कोई इशू था उनका, तो वो उसके हस्बैंड से मिलने गए थे तो वो वहाँ पर आराम करने लगे और वो बंदा जो था वो कोई शराबी बताया वो चला गया वहाँ से और मीन टाइम उसकी वाइफ आ गई तो उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग कर लिए। बाकी असली तथ्य इंक्वायरी के बाद ही बता पाएंगे, अभी मोटा मोटा ये पता लगा। कंचन टीवी के लिए पानीपत से नैंसी शर्मा की रिपोर्ट।